सर अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो हम लोग होप्स छोड़ देते हैं वो चीज की और हम लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। हाँ, अगर आप फेलियर से कुछ सीखते नहीं हो तो डीमोटिवेशन नक्की है, और आप अगर फेलियर से कुछ सीखती हो तो मोटिवेशन नक्की है। 90% लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते नहीं है। 90% लोग अपने जब भी फेल होते हैं तो किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं और हमेशा ब्लेम करते हैं, और जो लोग सीख जाते हैं वो लोग काम पे लग जाते हैं। इस पे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो हाईली सक्सेसफुल है, जिसके एग्जांपल में आपको सचिन तेंदुलकर, नारायण मूर्ति, थॉमस एडिसन, अमेरिका का प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, अमिताभ बच्चन, आपको जितने नाम आते हैं ना, ये सब लोग इनिशियल पीरियड में फेल हुए हैं। अभी अमिताभ बच्चन को तो उसके फर्स्ट इंटरव्यू में फेल कर दिया था। अब्राहम लिंकन कम से कम 20 बार फेल हुआ है, और उसके बाद में उसने गिव अप नहीं किया और हर फेलियर से कुछ सीखता गया और लास्ट में अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। अभी थॉमस एडिसन है, उसने 999 टाइम फेल हुआ है वो बल्ब बनाने के लिए, और 1000 टाइम में उसने बल्ब बना दिया। एक और आदमी है, मैं नाम बोल रहा हूँ, कि वो जब माउंट एवरेस्ट पहली बार कोई आदमी चढ़ा था तो वो काफ़ी हद तक चढ़ा, मगर उसको फिर गिव अप करना, वापस नीचे आ गया। मगर जब वो वापस नीचे आया, उसने नीचे आके माउंट एवरेस्ट को एक ही चीज़ बोली ऊपर मुँह करके, कि तू ग्रो नहीं कर सकता है, मैं ग्रो कर सकता हूँ। और फिर मेहनत चालू रखी और एक दिन उसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया। मैं मेरी भी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक लड़की को मैं प्यार करता था, और जब भी प्रपोज करूँ वो रिजेक्ट कर देती थी। उसको मैंने 4 बार प्रपोज किया, उसने 4 बार रिजेक्ट कर दिया, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अलग अलग तरीके से उसको प्रपोज करता गया, और मैं हमेशा नथिंग से ऑपरेट किया कि रिजेक्ट तो हो ही गया हूँ, अब ट्राई करने में, अब गेम खेलने में क्या जाता है। और उसने मेरे को 9 बार रिजेक्ट किया, और 10वीं बार मेरी गर्लफ्रेंड बन गई वो। तो ये आपके लिए एक अच्छा मोटिवेशन है कि कोई भी लड़की जब तक 10 बार आपको रिजेक्ट नहीं करे तब तक रिजेक्शन मानना ही नहीं। बल्कि अब तो मेरा ऐसा डल स्कम्पल हो गया है कि कोई लड़की कितनी बार भी ना बोले, मैं तो प्रपोज करता ही रहता हूँ, और अल्टीमेटली सब लड़कियाँ हाँ बोलती हैं मेरे को। लाइफ में एक प्रिंसिपल है कि लाइफ में वही हारता है जो गिव अप कर देता है। कई पहलवान होते हैं, अपने को दिखता है कि बेचारे मारी खा रहा है, शायद हार जाएगा, और एक सेकंड में ऐसा आता है कि वो खड़ा हो जाता है, दूसरे को हरा देता है। तो जब तक गेम पूरा नहीं हुआ है जब तक हार माननी नहीं चाहिए। और एक मेरा अच्छा मेरा डायलॉग है कि जब तक मैं जीतता नहीं हूँ तब तक गेम ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे ख्याल रखने चाहिए कि जब तक मैं जीता नहीं हूँ तब तक गेम ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मतलब मैं जीतूँगा। और मैं बता दूँ, हर इंसान ये वर्ल्ड में पैदा हुआ है सक्सेस पाने के लिए। सक्सेस हर इंसान का बर्थ राइट है और हर इंसान को मिल सकता है। हर इंसान कोई भी ऊंचाई तक चढ़ सकता है, कोई भी सक्सेस पा सकता है, खाली उसकी राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट एक्शन प्लान होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है उसको एक राइट कोच मिलना चाहिए, एक राइट लाइफ कोच मिलना चाहिए जो आपको गाइड करे आपकी कमियां किधर है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और हर आदमी अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करे और अपने वीकनेसेस को ओवरकम करे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आदमी को होप छोड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद में दुनिया कायम है, ये उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। संभावना इतनी है कि आप कितने भी फेल हो उसमें से आप कुछ सीख सकते हो और वापस बाउंस बैक कर सकते हो, और बाउंस बैक करना चाहिए। फेलियर हो के गिव अप करने में ज़िंदगी का कोई मज़ा है नहीं, खाली निराशा है और उदासी है। जब आप कैपेबल हो जीतने के लिए तो गेम में से क्यों बाहर निकलना चाहिए। ये तो ऐसे हुआ कि एक बच्चा बॉल लेके आता है खेलने के लिए और वो हार जाता है तो बोलता है लाओ मेरी बॉल मेरे को वापस दे दो, मेरे को नहीं खेलना है। अभी दूसरे बच्चे दूसरी बॉल इकट्ठी करते हैं और खेल चालू कर देते हैं, और फिर ऊपर से देख के देखता रहता है कि मेरी बॉल थी तो मेरे को बुला रहे थे, अब मेरी बॉल नहीं तो मेरे को बुला रहे भी नहीं। गेम में से आउट के भी होना ही नहीं चाहिए। आप हार रहे हो उसको भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लो, ठीक है आपको खेलना नहीं आता है, आपकी स्टेमिना की कमी है, आप में कुछ कला की कमी है, उसको डेवलप करो और गेम में से कभी बाहर मत निकलो। हो सकता है आपको लेट सक्सेस मिले, कईयों को लेट सक्सेस मिली है, मगर सक्सेस गारंटेड मिलेगी आपको।